हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपीएल 2023 को लेकर एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो चुके हैं, चेन्नई की तरफ से काइली जेमिसन बाहर हो चुके हैं। वैसे एक बहुत ही बुरी खबर आई है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, एक बड़ा अपडेट आया है। उस अपडेट को बताने से पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर जोशुआ लिटल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई, वो भी बाहर हो सकते हैं गुजरात की तरफ से। लेकिन बुमराह, जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से जहां पर एक बड़ी अपडेट आई, जहां पर पिछले पांच महीने से ये रिहैब कर रहे हैं, अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने मिस किया था और फैंस को ये लग रहा था कि ये IPL से अपनी वापसी करेंगे। लेकिन कल ही आई एक बड़ी अपडेट मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहां पर BCCI ने अपडेट किया है कि बुमराह की इंजरी ज़्यादा ही सीरियस है, जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। तो मतलब साफ साफ ये है कि IPL 2023 का सीज़न ये भी मिस करने वाले हैं, जहां पर पूरे चांसेस बन चुके हैं ऑलमोस्ट ये मिस करने वाले हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, और मुंबई इंडियंस के फैंस का सपना जोफ्रा और बुमराह को देखने का इस साल शायद ना पूरा हो, और जोफ्रा का साथ निभाने वाला कोई बॉलर भी नहीं, इनका बैकअप भी नहीं है, और टीम इंडिया को भी झटका लग चुका है। WTC फाइनल से भी ये बाहर हो चुके हैं, ना सिर्फ IPL से। तो इनकी रिप्लेसमेंट को लेकर जहाँ पर बात करने वाला हूँ, रिप्लेसमेंट तो इंडियन प्लेयर ही होने वाली है अनसोल्ड प्लेयर्स में से, और इंडियन प्लेयर्स आपको पता ही है ज़्यादातर अनकैप्ड प्लेयर्स ही अनसोल्ड गए हैं। तो मैं बता दूँ 15 टोटल अनसोल्ड प्लेयर्स हैं इंडियन पेसर्स में से, तो इनमें से जो कि मुझे लगता है कुछ खिलाड़ियों के नाम मैंने चुने हैं। तो सबसे पहले नाम आता संदीप शर्मा का, ये भी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं संदीप शर्मा, अनसोल्ड गए थे, स्विंग है इनके पास, डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर पेस चाहिए तो रसीकदार हैं, इनसे जुड़ चुके हैं JNK, जहाँ पर इनसे खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से ये सीज़न IPL 2018 का। और जो कि वसीम बाशिर नेक्स्ट नाम आता है, तो इनके पास एक गति है, ये भी जम्मू कश्मीर के हैं। तो वसीम बाशिर ने काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स दी हैं, चेन्नई को भी ट्रायल्स दी थी इस साल, तो अगर गति चाहिए, एकदम रो पेस चाहिए, तो इनको साइन कर सकती है जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम यंग खिलाड़ियों को ही ज़्यादातर मौके देती है, तो इनका नंबर बन सकता है। मुश्ताबा यूसुफ जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स दी हैं टीम को। ईशान पोरल जो कि पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से 2-3 साल पिछले जुड़े हुए, लेकिन इनको मौका नहीं मिला था, तो ये भी हो सकते एक अच्छा ऑप्शन। आखिरी ऑप्शन 6th अंकित राजपूत, अंकित राजपूत भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये यंग पेसर को मौका देना चाहेंगे, या फिर संदीप शर्मा भी हो सकते हैं। आपको कमेंट करके बताएं कि क्या परफेक्ट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जसप्रीत बुमराह की किसको साइन कर लेना चाहिए, आपको कमेंट करके बताएं कितना बड़ा नुकसान होने वाला मुंबई इंडियंस की टीम को जसप्रीत बुमराह के बाहर हो जाने पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर।